अस्सलाम वालेकुम। मैं शावशर पक्का शामिल बात करेंगे। मुझे को बोलने की अपसर 47 का फिल्म के बारे में आज के अपसर में आपको बोलने देखा। मेरा को काफ़ी ख्याल रखते हैं, वहीं पर उसके बाद सारी बातें सुन लेते हैं। सलमान क्या प्लानिंग कर रहा है वहीं पर, मुझे आखिर काफ़ी बदतमीजी करता है तो उसको वहाँ से कहते हैं तुम इस तरह का मेरी बेटी से बात नहीं कर सकते, वो भी मेरे घर में खड़े होकर, और उससे धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। वहीं पर उसका बेटे कह रहा है मैं अच्छे से शादी करूँगा, तो कहते हैं मुझे बहुत बुरा लग रहा है, अगर आंटी मान जाती है तो ज़्यादा अच्छा होता, तो कहता है कि वो मान जाएंगे लेकिन उन्हें टाइम लगेगा। वहीं आते काफ़ी खुश होता है अपनी बहन के लिए, उसे एक मुखलिस और मोहब्बत करने वाला साथी मिल रहा होता है। वहीं पर दूसरी तरफ वो उससे बात करता है और उसे कहता है कि मैं अपने बच्चों को तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगा, तो कहती है कि उन्हें दूंगा। ईशान के पास आता है और शान को वो खड़ी खड़ी सुनाती है और उसको बताने लगता है लेकिन उसे बात नहीं बताती है। और दूसरी तरफ उसके घर बेटा होता है, वो काफ़ी खुश होते हैं। जब सलमान उससे मिलने के लिए आता है तो मैं उसे कहती है कि तुम मेरे बच्चे से दूर रहना, और उसके साथ भी उसे कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, और वहीं भी उससे कहता है कि तुम अब यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से जाओ। सलमान को काफ़ी गुस्सा आता है, आने वाले अपसर में देखने का आते समय मिलता है और उसे कहता है कि मैं उसे तलाक नहीं लेने दूंगा, ना ही उसके लिए खुला होने दूंगा चाहे कुछ भी। तो कहता है कि तुम्हारे घर के मैटर है, मुझसे इससे दूर रखो। वहीं पर सलमान की माँ आती है और आके सब कुछ उसे बता देती है। वहीं पर वो आतिफ से बात करती है और आतिफ कहता है कि मैं परेशान हूँ लेकिन मायरा के लिए, और वहीं पर कोर्ट में उस पर भुगतान लगाता है। तो उसकी लोग बोलती है वहाँ पर उसके आप बात कहते हैं, तो कहता है कहती है कि सालों पहले शुरू हुआ तमाशा, आप ये ख़त्म हो जाना ही बेहतर है, देखना ये आने वाले एपिसोड में क्या था। मायरा की जान छुटेगी अब सलमान से, यानी आप भी अपने हेल्पमेंट के जरिए दीजिएगा।